नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी प्रणाम करती हूं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ न्यू डाइट सिस्टम की मेन जो स्टेप्स होता है उसमें एक जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप फिर से याद दिला देती हूँ, आपको याद ही होगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो एनिमा है। दूसरा जो स्टेप है वो मॉर्निंग में उठने के बाद 6 या 8 आवर्स का फास्टिंग है। और तीसरा जो है वो क्लिंजिंग जूस, मतलब कि आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक का फ्रेश जूस। तो आपने इतने सारे रेसिपी बुक में या यूट्यूब पे या सभी के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी, वो भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जिसने भी लिखा है, जिसने भी जो भी बनाया है वो सब बराबर है। लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो मैं एक आहार में मानती हूँ, मतलब कि ये जो ग्रीन जूस होता है उसमें कौन कौन से पत्ते डाले जा सकते हैं। तो ग्रीन जूस में सबसे पहले तो पालक होती है, धनिया होता है, फुदीना होता है, आंवला होता है, नींबू होता है, फिर हनी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, काकवी डाल सकते हो, नमक डालना है, संचर डालना है, लौकी डाल सकते हो। लेकिन हमारा जो न्यू डाइट सिस्टम का जो हमारा ये रामचरितमानस से आया हुआ ये विज्ञान है, तो ये हमारा किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति का विज्ञान है। तो प्रकृति ने जो भी बनाया है उसमें सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अवकाश तत्व लेना है। और उसके बाद अवकाश तत्व मीन्स कि सुबह में उठने के 6 घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, निर्जला, पानी भी नहीं, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद जो होता है वो वायु तत्व। तो वायु तत्व किसे कहेंगे, हमें खाली पेट जब होता है तो ऐसा खाना खाना चाहिए जो सबसे हल्का हो। तो कैसे पता चलेगा कि हल्का कौन सा है, वैसे तो हम सब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर ऐसा बोलते हैं या घर वाले ऐसा बोलते हैं कि हल्का आहार लेना है, मतलब कि खिचड़ी खानी है। तो खिचड़ी भारी हो गई हमारी दृष्टि से देखो तो, खिचड़ी भारी हो गई कैसे वो मैं समझाऊं। एक बाल्टी भर के आप पानी ले लो और पानी के अंदर खिचड़ी जो बन गई है या दाल चावल जो बन गए हैं उसको एक एक बड़ा चम्मच भर के उसके पानी के अंदर डाल दो और देखो कि ऊपर तैरता है कि नीचे डूब जाता है। जो नीचे डूब जाता है वो भारी आहार है, हमें वायु तत्व लेना है। तो वायु तत्व मीन्स कि जो डोल के अंदर डालेंगे, पानी भरी हुई बाल्टी में हम डालेंगे तो वो ऊपर तैरना चाहिए। एक 1 kg की गोभी होती है या 1 kg की लौकी होती है तो भी पानी के ऊपर तैरती है। अगर आपके पास 2-3 किलो टमाटर हो तो भी उसको वॉश करने के लिए अगर आप डोल में डालोगे तो वो ऊपर तैरता है। तो जब भी खाए तो ऐसा हल्का खाओ कि जो पानी के ऊपर तैरता हो। तो ये मतलब कि पालक, तो सभी कैसे कैसे जूस बनाते हैं, तो पत्तियां कौन सी लेनी चाहिए, मैं सबसे पहले ये समझाऊंगी कि जो गाय खा सकती है, जो बकरी खा सकती है, वो कोई भी पत्तियां हम इंसान खा सकते हैं। जैसे कि हनुमान दादा, वो देखते नहीं है कि कौन सी पत्तियां है, भूख लगती है तो कोई भी पेड़ पे कुछ भी खा लेते हैं। गाय है, बकरी है, भैंस है, वो भी कोई भी पत्तियां खा सकते हैं। ऐसी पत्तियां नहीं खानी है जो तोड़ने के बाद उसमें से दूध निकलता हो, तो वैसी पत्ती नहीं खानी है। बाकी कोई भी पत्ती आप आसोपालो का, अगर ट्री हो, पीपल का ट्री हो, कोई भी आपके आजू बाजू में तुलसी का छोड़ हो, कोई भी पत्तियां ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने पालक ली है तो आपको पालक लेनी है। लेकिन ये जो पालक है वो हर सीजन में इजीली मिल जाती है और इतने सारे पत्ते में से हर कुछ पत्ते में से अलग अलग आपको तत्व मिलते हैं। लेकिन बॉडी को क्या जरूरत है ग्रीन पत्तियां, तो कोई भी एक दे दो तो भी चलता है, 15-20 इकट्ठे करके दे दो तो भी चलता है। जो मीठा कड़ी पत्ता आता है वो भी आप हर रोज डाल सकते हो, सहजन की पत्तियां है वो भी आप डाल सकते हो, फिर सीसम के पान आते हैं वो डाल सकते हो। ऐसे अगर मैं बोलूंगी तो सुबह से रात पड़ जाएगी, इतने सारे पेड़ है। जितने जितने फल हम खाते हैं
जितने जितने वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो सभी की पत्तियां हम ले सकते हैं। अगर मैंगो की ट्री है आपके पास तो मैंगो का भी ट्री का आप लीव्स ले सकते हो, कोई भी लीव्स ले सकते हो। लेकिन अभी अहमदाबाद में इतने कम ट्री मिल रहे हैं कि हम हर रोज तोड़ के नहीं ले आते। इससे तो अच्छा है कि सब्जी मंडी में जाके 1 किलो जो भी ले आए तो उसका हम जूस बना देते हैं। तो मेरा जो आज का जूस बनाने का इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत सारी पत्तियां नहीं ली है। मैं जो भी काम करती हूँ वो सिंपल वे से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 तरह की पत्तियां मिलेगी तो ही मैं जूस बनाऊंगी। अभी अभी मैं ये शूटिंग कर रही थी उसके पहले ही जस्ट मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या बनाना है आज। लेकिन अभी एक सब्जी वाले की आवाज सुनी कि भाई पालक आई है एकदम फ्रेश, तो मैं नीचे गई लेके आ गई। ओनली 40 रुपीज की 1 kg आ गई। तो अभी 40 रुपीज में तो 4 ग्लास जूस बन जाएगा। तो हम 4 लोग हैं तो चारों को एक एक ग्लास मिल गया। तो 40 रुपीज में तो 4 ग्लास में जो भी अपने को बॉडी को मिलना चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। तो पालक से या कोई भी पत्तियों से हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड बनाने का काम करता है। और अगर हमारे ब्लड में अशुद्धियां है तो उसको दूर करके शुद्ध करता है अपने ब्लड को। अगर आपके दांत में कुछ दांत हिल रहे हैं या दांत में से बदबू आ रही है या फिर दांत में दुख रहा है तो उसका कारण ये है कि अपना जो ब्लड है वो इम्प्योर हो गया है। तभी आपका जो दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी चाय पी है, दूध पी है, तो दांत कैसे रहेंगे। तो अगर हमारे बॉडी के सभी पार्ट को अच्छा रखना हो तो जितना हो सके ग्रीन जूस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ग्रीन जूस में जो हरी पत्तियां होती है उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, बहुत सारा कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन, आयरन, जितना भी चाहिए हमें सब कुछ मिल जाता है। कोई ऐसा बोलता है कि डॉक्टर ने हमें बोला है कि डायलिसिस करना है तो पोटेशियम बढ़ना नहीं चाहिए, या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टोन का प्रॉब्लम है तो पालक खाने की ना बोली है। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमारी क्या सिस्टम है कि या तो फिर डॉक्टर का मानो, ये सब बंद कर दो, तो फिर पूरी जिंदगी दवाइयां खाओ, कभी स्टोन नहीं निकलेगा, कभी डायलिसिस बंद नहीं होगा, कभी किडनी अच्छी नहीं होगी, और पूरी जिंदगी पका हुआ खाते रहो और पूरी जिंदगी दवाइयां खाते रहो, या तो फिर ये प्रकृति का रास्ता है वो अपनाइए। तो ये तो हमने कुछ दवाइयां दी नहीं, आप कहीं पे भी रहते हो पूरे वर्ल्ड में तो पालक मिल जाती है। आपके घर में मिक्सचर हो तो मिक्सचर से बना लो, जूसर हो तो जूसर से बना लो। कोई कोई ऐसा बोलता है कि मिक्सचर भी नहीं है, जूसर भी नहीं है, तो सिर्फ चबा चबा के खा लो। ये जो चीज है अगर गैस के ऊपर जाती है तो सारे न्यूट्रिशन, इसके सत्व तत्व सभी फिनिश हो जाते हैं, सभी जल जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं, ये विकृत हो जाता है। मैं एक पालक पनीर की सब्जी की बात करूं, अगर ये पालक है इतनी हरी है, इतनी फ्रेश है, अगर मैं पालक पनीर की सब्जी बनाने जाऊंगी तो सबसे पहले क्या करूंगी कि इसको उबालते हुए पानी में डाल दूंगी, फिर इसको मिक्सचर में पेस्ट कर दूंगी, फिर उसको फिर से वघार करने के लिए फिर से दूसरी बार तेल डाल के कढ़ाई में डालूंगी और फिर इसमें पनीर डालती हूँ। तो वो जो हमने पालक खाई तो उसमें सभी न्यूट्रिशन तो थे नहीं, हमने तो सिर्फ जीभ का चटाका किया। तो जीभ का चटाका भी करो, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, लेकिन जो भी खाओ तो भगवान ने जैसा बनाया है वैसा का वैसा खाना है। मैं किसी किसी को बोलूंगी कि हम पालक का सुबह जूस बोलते हैं, जूस पीते हैं, तो कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि इससे अच्छा नहीं हम सूप बना ले। लेकिन सूप बनाने से इसके न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिलते हैं, फिर क्या फायदा बर्तन बिगाड़ने का, टाइम वेस्ट करने का। इससे तो अच्छा है कि ये पालक का है पान, तो ऐसे ही मैं खा लूंगी, कितना अच्छा है। देखो इसमें परमात्मा ने जो नमक होता है वो भी डाला हुआ है, वो भी आपको डालने की जरूरत नहीं है, इतना टेस्टी पान है। अगर ये पान से पंजाबी सब्जी खानी हो तो भी रोटी के जैसे खा सकते हैं। कभी आप करके देखो कि सब्जी जो मैंने पहले बनाई थी लौकी की, तो एक भाई का फोन आया था कि रोटी के साथ क्या खा सकते हैं, तो रोटी तो खानी ही नहीं है क्योंकि गेहूं जो है वो हमारे लिए नहीं बने, वो पक्षियों के लिए बने हैं, बर्ड्स के लिए बने हैं। तो कोई भी सब्जी हो तो इसमें ट्रे है हमारी,
तो ट्रे में से लिया और ऐसे करके खा लिया। सो सिंपल। अगर मेरे घर पे सब कोई बाहर गए होते हैं तो मैं जूसर का भी यूज नहीं करती, 500 ग्राम पालक ऐसे ही बैठ के मोबाइल करती रहती हूँ, व्हाट्सएप करती रहती हूँ, आप सबको मैसेज के जवाब देती हूँ और मेरा तो खाना भी हो जाता है, ये ग्रीन जूस भी हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका जो कचरा है वो कितना सारा पेट में जाएगा, तो ये पूरा चबा लिया, ये जो कुचा निकला वो निकाल देने का और एक डिश में रख देने का, जूस का जूस अपने पी लिया। इससे और फायदा होगा, क्या होगा कि आपके मुंह के अंदर सलाइवा मिक्स होगी। जब भी सलाइवा मिक्स होती है तो ये जो चीज है उसका डबल बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गाय जो होती है वो उसके बछड़े को कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है या कुछ घाव आ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते, मलम नहीं लगाते, पट्टियां नहीं लगाते, दवाइयां नहीं खाते, गोलियां नहीं लेते, क्या करेंगे। तो अपनी जो जीभ होती है उससे ऐसे चाट के उसको हीलिंग कर देती है, तो अपनी जीभ है उसके अंदर हीलिंग का इतना पावर है। तो अगर मिक्सचर नहीं यूज करो, जूसर नहीं यूज करो, तो ऐसे भी इसको चबा के खा सकते हैं। आप बोलोगे कि रेसिपी है, इनकी तो बात ही फिनिश नहीं होती है, तो चलो आज हम बनाने जा रहे हैं ये ग्रीन जूस। तो ग्रीन जूस में वैसे तो आपको जितने इंग्रेडिएंट्स डालने हो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं इतना सारा इकट्ठा नहीं करती हूँ। मैं अगर धनिया का बनाती हूँ तो पूरा धनिया का एक गिलास पीती हूँ, अगर पालक का बनाऊंगी तो पूरा का पूरा एक गिलास पालक का पीती हूँ, अगर लौकी का बनाती हूँ तो पूरा एक गिलास लौकी का पी लेती हूँ। मैं एक भी बूंद पानी की भी नहीं डालती हूँ, मैं जैसा है वैसा 100% प्योर वैसा ही जूस पीती हूँ। आपने देखा होगा कि कई कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि तीन तीन चार चार गिलास हम जूस पी लेते हैं, कभी ट्राई ऐसा करना कि ऐसा प्योर जूस पीना, सिर्फ एक ग्लास में 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। क्योंकि देखो अगर इसकी हम सब्जी बनाएं तो पूरे घर के खा लेंगे, पता है, और अगर इसका मैं जूस बनाऊं और एक ग्लास पी लूं तो सारा का सारा ये परमात्मा का जो पानी इसमें डाला है वो सारा का सारा मुझे मिल जाएगा। इतनी धूप में मैं पंखा बंद करके पूरा दिन बैठती हूँ, मेरे घर में एसी है मैं चालू नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो इतना हेल्दी पानी है कि मटके का पानी भी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो पूरे दिन में या पूरे महीने में या पूरे साल में पानी भी नहीं पीती हूँ। डॉक्टर तो बोलते हैं कि किडनी को संभालना हो तो 4 लीटर पानी पीना, 5 लीटर पानी पीना। अगर आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, नान खाया, पराठा खाया, पिज्ज़ा खाया, पास्ता खाया, सैंडविच खाई, बर्गर खाया, नाचोस खाया, टाकोस खाया, हांडवा, ढोकला, इडली, ये सब खाया तो बॉडी को पानी की जरूरत पड़ती है। आप एक बार ट्राई करके देखो, पूरे दिन जूस पी लो, कोई भी जूस, हरी पत्तियों का जूस पी लो या लौकी का जूस पी लो या पेठे का जूस पी लो, कोई भी ऑरेंज का भी पूरा ग्लास भर के पूरे दिन 10 गिलास जूस पी लो, 5 गिलास जूस पी लो, फिर प्यास लगती ही नहीं है और हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो भी क्योर हो जाता है। अगर डायलिसिस पे है तो वो भी ठीक हो जाता है। सिर्फ आपको ट्राई करना है। ये हमारे न्यू डाइट सिस्टम के सारे जो डिसीज होते हैं, जितने भी अभी नाम दिए गए हैं, वो सारे के सारे डिसीज क्योर हो जाते हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं, लेकिन 40 करोड़ लोग ने न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट किया है। जिस चीज ने ये वाला जूस पिया है या परमात्मा का बनाया हुआ नेचुरल जूस पिया है, जो फ्रेश है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, सीजनल है, रीजनल है, वो जूस पिया तो कभी भी मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा, कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 1 साल के 2 साल के 3 साल से, तभी से उनको ये जूस पिलाने की प्रैक्टिस कर दो, तो वो बड़े होके भी खुद बनाएंगे और आपको भी पिलाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये ग्रीन जूस का। मैं जूसर में आज बना रही हूँ, और ये जो सुजाता का जूसर है उसकी एजेंसी भी है, अगर मुझसे मंगवाना हो तो भी मंगवा सकते हो, या आपके एरिया में से आपको कहीं से भी लेना हो तो ले सकते हो। लेकिन ये जूसर ऐसा है कि सब पत्तियों का बिना पानी डाले जूस निकालता है,
तो अगर बॉडी को प्योर देंगे तो बॉडी भी आपको प्योर रिजल्ट देगी। इतना ब्लड क्लीन हो जाता है, इतना इतना बॉडी में चेंज आता है ये अच्छा वाला जूस पीने के बाद। आप खुद पियो और फिर हमें बताना कि कैसा रिजल्ट मिला है, आपकी बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश ग्रीन जूस। तो उसके लिए मैंने पालक को काटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वॉश किया है दो बार। एक बार नींबू के पानी में 10 मिनट रखा है, दूसरी बार जो नॉर्मल सॉल्ट आता है वो सॉल्ट के पानी में 10 मिनट रखा है और मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। और कुछ भी ना डाला नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेस्टिसाइड डाला है और कोरोना वाले जो सब्जी वाले होते हैं वो उसका कोरोना का वायरस हमें लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ 10 मिनट नमक के पानी में डाल के रखो, गर्म पानी में नहीं डालना है। सिर्फ नॉर्मल नेचुरल बाथरूम का जो टैप वाटर आता है किचन में वो ही पानी में, और सिर्फ नमक डाल के भिगोना है। जितने भी बैक्टीरिया हो गए, जर्म्स हो गए, वो सब निकल जाएगा और ये फ्रेश एकदम ग्रीन आपका रेडी हो जाएगा। मैं इसके जो डंडे होते हैं वो भी कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये डंडे के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है। सब्जी संवारने की भी जरूरत नहीं है, जैसी पालक लाई हूँ वैसी सिर्फ वॉश की है। ये जो डंडी है आप मुंह में रख के चबाना, इसमें से भी बहुत सारा पानी निकलता है। देखो मैं खाके दिखाती हूँ आपको, कितना अच्छा है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है, जैसा है वैसा का वैसा मदर नेचर ने जो बनाया है वो ही हमें लेना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा 500 ग्राम मैंने पालक ली थी, तो उसके अंदर से दो ग्लास बनेंगे। और एक इंसान के लिए अगर 250 ग्राम होगा, एक ग्लास पी लेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि पानी डाल डाल के तीन तीन चार चार ग्लास पीने हैं आपको। अभी मैं उसके अंदर जो एक इंसान होता है, कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो, एक इंसान होता है उसके लिए तीन आंवले जरूरी है। जो तीन आंवले है वो क्या काम करेगी कि रेचक रस का काम करते हैं। तो रेचक रस मतलब क्या कि अपना छोटा इंटेस्टाइन है, अपना बड़ा इंटेस्टाइन है, उसको अंदर से क्लीन करने के लिए आंवले की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप न्यूडार सिस्टम से जुड़ते हो तो जो पहले चार मंथ होते हैं वो लगातार तीन आंवले का जूस आपको कंपल्सरी पीना है। और अगर आपको कोई डिसीज है, कोई आपको रोग है, बीमार है आप, तो 8 महीने तक भी आंवले का जूस पी सकते हो, पूरी जिंदगी तक भी आंवले का जूस पी सकते हो। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अपनी बॉडी की जो वेन होती है वो स्टिफ हो जाती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है, सभी जो नलियां होती है वो एकदम कड़क हो जाती है आंवले के रस से। ऐसा नहीं है, अगर उसको पालक के रस के साथ पियो, सुबह में मॉर्निंग में चाय नहीं पीनी, दूध नहीं पीना, छाछ नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपका इंटेस्टाइन अगर क्लीन हो तो कोई भी रोग आपको नहीं होगा। तो उसके लिए एक इंसान के लिए तीन आंवले का जूस कंपलसरी है। तो ये जो है वो आंवले का मैंने जूस बना के रखा है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमरजेंसी में आंवले का जूस नहीं है
तो ऑप्शन में आंवले का पाउडर भी यूज कर सकते हो, या तो फिर एक या दो नींबू डाल के भी पी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी दो तीन आंवले का मैं जूस डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, जल्दी से इसका कलर है देखो एकदम ग्रीन, ज्यादा डबल ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप हनी डाल सकते हो, हनी नहीं है तो गुड़ डाल सकते हो, गुड़ नहीं डालना है तो वैसे भी पी सकते हो। जो लिक्विड गौर आता है मतलब कि जगरे, तो वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो अगर आपको मीठा पसंद हो तो। जो पतले इंसान है उनको ज्यादा मीठा डालना है, और जो मोटे लोग हैं उनको ज्यादा खट्टा डालना है, बस इतना सिंपल लॉजिक है। तो मैं तो पतली हूँ तो मैं दो चम्मच हनी डालूंगी, लेकिन मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे तो खट्टा टेस्ट ही पसंद है। ये दो चम्मच डाला। अगर किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको गुड़ डालना ही है, वैसा का वैसा सिंपल होगा तो भी चलेगा। ये संचल पाउडर है, ब्लैक सॉल्ट मैं डाल रही हूँ, और मैं सिंधव नमक नहीं डाला है क्योंकि पालक जो होती है उसके अंदर वैसे ही बहुत सारा नमक होता है। तो मैं जब भी सिर्फ पालक का बनाती हूँ तभी मैं सिंधव नमक यूज नहीं करती, लेकिन अगर पालक डाला, फुदीना डाला, धनिया डाला, लौकी डाली, ये सब डाल के अगर मैं जूस बनाती हूँ तो मैं नमक डालती हूँ। तो ये अभी रेड हो गया है, इतना इसके अंदर अगर पालक डालो तो पकौड़ी का जो गोल गप्पे का पानी होता है वैसा। ये एक भी बूंद पानी नहीं डाली है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का जूस है। इतना सस्ता जूस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ 40 रुपये में 1 केजी है, और अगर विंटर में मैं लेने जाऊं तो सिर्फ 20 रुपये में भी केजी मिल जाती है। हम तो बल्क में लाते हैं, 3 किलो 4 किलो लाते हैं, तो बल्क में भी सस्ता पड़ जाता है। तो इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अगर ये इतना प्योर जूस एक ही ग्लास पियोगे तो भी पूरे दिन चलेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो 2 ग्लास भी पी सकते हो। अगर रात को फिर से पीना हो तो भी पी सकते हो। जो क्रोनिक डिसीज वाले पेशेंट है, जिनको डायबिटीज बहुत साल से है, या सोराइसिस का प्रॉब्लम है, या अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, या कैंसर का प्रॉब्लम है, या फिर डायलिसिस का प्रॉब्लम है, तो ये लोग को सुबह में 3 बार एनीमा करना है, दोपहर में भी 3 बार एनीमा करना है, रात को भी 3 बार एनीमा करना है, और फिर सुबह में भी ग्रीन जूस पीना है, मतलब कि 8 आवर्स के फास्टिंग के बाद, और रात को भी फिर से 1 ग्लास फ्रेश प्योर ऐसा बिना पानी का आपको जूस पीना है। देखो कितना ग्रीन है, ये प्योर ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफायर कर देता है, और अपने बॉडी में से बदबू भी नहीं आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, पसीने की भी नहीं, मल की भी नहीं, मूत्र के भी नहीं, हमारे शरीर में से बिल्कुल बदबू नहीं आती है, क्योंकि इतना अच्छा क्लींजिंग जूस हम पीते हैं। तो मैं अभी, मैंने सुबह में 8 आवर्स का फास्टिंग था मेरा, मैंने कुछ भी नहीं पिया था, तो ये मेरा जूस अभी रेडी है, मैं देखती हूँ कैसा बना है। वैसे तो मैं हर रोज बनाती हूँ, पीती हूँ, लेकिन आपके साथ पहली बार पी रही हूँ, ये आपके लिए है, कभी भी आओ हम पिलाएंगे, और अगर और दूसरी भी बात, बहुत टेस्टी है। प्योर पीने की जो मजा है वो पानी वाले में नहीं है, थोड़ा पियो कम पियो लेकिन प्योर पीना सीख जाओ। मैं यही रेसिपी आपको सिर्फ 5 मिनट में जूसर में ये बना के दिखाई, मैंने अभी मिक्सचर में भी बना के दिखाती हूँ कि अगर किसी के पास जूसर नहीं है तो कोई बात नहीं, मिक्सचर से भी बना सकते हो, कम पानी डाल के बनाना तो भी ये अच्छा ही बनेगा। वैसे भी पानी तो हम पूरे दिन पीते ही हैं, मतलब सब लोग तो पीते ही हैं, तो थोड़ा सा ऐड करके मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ कि मिक्सचर में कैसे ये ही जूस बनाते हैं। तो अभी जो मैंने जूस बनाया था वो जूस प्योर था, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था, उससे 100% डिसीज क्योर होते हैं। और अभी मैं बता रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम जूस बनाएंगे, तो वो इसके लिए भी मैंने 500 ग्राम
पालक ली है, अभी जो मैंने ली थी वो भी 500 ग्राम ली है। इसके भी जो डंडे हैं वो मैं नहीं काटती हूँ, ये जैसा है वैसा का वैसा मैं ले लेती हूँ। चॉपबोर्ड के ऊपर भी काट के ये कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसमें डालती हूँ। आज का आज फ्रेश पियो तो बहुत अच्छी बात है। और ऑफिस लेके जाना हो आपको, अगर सुबह में 7 बजे बनाया और आपको ऑफिस लेके जाना हो तो कांच की बोतल में लीजिए, या फिर टपरवेयर की बोतल में लीजिए, या तो फिर स्टील की बोतल में लीजिए। पर जब तक कांच की बोतल मिल जाती है तो कांच की बोतल ही यूज करना। तो ये पहले तो हम सब्जी बनाते थे तो इसको भी 2 घंटे के पहले काट के रख देते थे, इतना फ्रेश तो कभी खाया ही नहीं था। देखो ये तो अभी के अभी काटा। कोई भी चीज है उसको जितनी हम काटते हैं उतना उसके सेल कट जाते हैं। तो हो सके तो अभी मैं 2 बार करूंगी, एक बार का मैं आपको बताती हूँ, फिर बाद में ये कर लूंगी मैं। तो इसके अंदर मैं 1 ग्लास पानी लेती हूँ। बार चालू बंद करना पड़ता है ताकि वो सब जो भी पालक है वो ऊपर नीचे हो जाए और फिर से वो मिक्स होके फिर जूस बन जाए। तो ये जो है वो जितनी भी मेरे पास पालक थी 500 ग्राम, तो उसके अंदर मैंने 1 या 2 ग्लास पानी डाला है और ये पूरी की पूरी पेस्ट पूरा जूस रेडी हो गया है। अभी ये जो नेट है उसके अंदर मैं छान लेती हूँ। प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड, कहीं पे भी हीमोग्लोबिन की आयरन की गोली लेने की जरूरत नहीं है। किसी को भी ब्लड की डेफिशिएंसी हो तो ये जूस पी सकता है, चाहे कितना भी कम ब्लड का रिपोर्ट आ रहा हो तो ये अगर जूस पी लेंगे तो ऑन द स्पॉट 1-2 दिन या 3-4 दिन में ही ब्लड का जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। कितना नेचुरल है। तो ये जो भी है वो मैंने सभी जूस ले लिया है। ये जो छन्नी है वो ऐसी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी रहता नहीं है, मतलब बिल्कुल जूस रहता नहीं है। ये जो है वो सारा का सारा हम ऐसे निचोड़ के ले लेते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो ये जो है देखो इसमें 1% भी अभी पानी नहीं है। अभी मैं इसके अंदर मसाला करती हूँ और ये जो मेरा जग है उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। तो ये जो मेरा जूस है वो मैंने छान लिया है। अभी मैं उसके अंदर 2 स्पून हनी डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि हनी के बिना नहीं पी सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हो। ये जो है वो काला ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, वो मैं डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं ये आंवले का रस डाल रही हूँ। एक इंसान का 3 आंवला होना जरूरी है। ये जो आंवले का रस है वो जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो इसका कलर जो है वो एकदम से ग्रीन हो जाएगा। और अगर आपको नींबू डालना हो तो भी डाल सकते हो, आंवले का पाउडर भी डाल सकते हो। तो ये रेडी हो गया है। अब मैं इसको इसके अंदर, ये जो मेरा जार है इसके अंदर पोर कर डाल देती हूँ ताकि ग्लास में जब भी डालूं तो नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये बहुत ही अमृत जूस है।
इसको वेस्ट नहीं जाने देना है। जितना फ्रेश पियोगे उतना अच्छा है, लेकिन ऑफिस जाते हो, जॉब जाते हो, तो फिर उसको ऐसे कांच की बोतल में लेके जा सकते हो। ये जो पानी वाला है जिसमें हमने पानी ऐड करके फिर ये जूस बनाया है, वो आप दो ग्लास पियोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्योर जो है वो एक ग्लास से भी चलता है। जब आप ऐसा एकदम फ्रेश पियोगे इतनी अच्छी खुशबू आती है। पी रही हूं मैं, कैसा लगा? ये 6 आवर्स के फास्टिंग के बाद जब ये अमृत जूस पीते हैं, पेट में इतनी ठंडक होती है कि बात ना पूछो, इतनी मजा आती है। तो आपको ये रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो या फिर हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक हमें फोन कर सकते हो, उसके बीच में फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। आभार, प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।